नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रलय पाल ने एक सनसनीखेज दावा किया है। प्रलय पाल का कहना है कि टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने उन्हें खुद फोन किया और तृणमूल को जीत दिलाने में मदद करने को कहा था, जहां से उनके पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी मैदान में है। बीजेपी की तरफ से जारी एक वीडियो में प्रलय पाल का दावा है कि शनिवार सुबह ममता बनर्जी ने उन्हें फोन किया था और नंदीग्राम में टीएमसी के लिए मदद मांगी थी। वहीं टीएमसी का कहना है कि ऑडियो में सुनाई दे रही आवाज वेरीफाइड नहीं है, क्लिप वेरीफाइड नहीं है, इसको बीजेपी ने जारी किया है। और वहीं आपको ये बता दें कि न्यूज़ इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। प्रलय पाल ने कहा कि वह चाहती थी कि मैं उनके लिए काम करूं और टीएमसी में वापस आ जाऊं, लेकिन मैं लंबे समय से शुभेंदु अधिकारी और अधिकारी परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं अब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। আদর্শ ভিত্তিতে এবং আপনি যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যেদিন মানে এক বছরে যেদিন রেজাল্ট ঘোষণা হয় আমরা বুঝে নিয়েছিলাম যে আপনি ক্ষমতায় আসছেন। পাঁচজন ব্রাহ্মণ ডেকে হোম যজ্ঞ করে আমি কিন্তু গোটা মিটিং মিছিল করেছিলাম, কিন্তু খারাপ লাগে দিদি যে এত ত্যাগ করার পরও যখন প্রলয় পাল রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পায় না, এর থেকে লজ্জার কিছু থাকতে পারে না। এটা কে করেছিল এটা তুমি জানো? তোমাদের লোকাল যে লিডার ছিল সে আমাদের নন্দীগ্রামে যেতে দিত না এবং সে আমাকে নন্দীগ্রামে ঢুকতে দিত না, সারা মেদিনীপুরে ঢুকতে দিত না, তাদের একটা জমিদারি চলত, তুমি তো জানো সবই ভাই। আমি দিদি রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পাবো না, এটা হতে পারে? আরে আমি আছি কি করতে, এগুলো তো এটা তো যে করেছে সে অন্যায় করেছে। আমি তো মার খেয়েছি, আপনার মহাদেবের হাতে তো মার খেয়েছি আমি। আমি জানি, আমি সব জানি, আমি সব জানি, আমি পরে শুনেছি। আমি তো আগে এত ডিটেলসে খবর নিতাম না, কিন্তু এখন যেহেতু আমি গেছি তাই আমি সবার খবর রাখছি বলেই খবর নিচ্ছি। দিদি এখন আমি আপনি যাই মনে করুন না কেন বেরিয়ে এসেছি দল থেকে, আর দলের সঙ্গে যে দলটা করি কোন দলের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार शांतनु बनर्जी। सर स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी सर, जिस तरीके से ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि जो प्रलय पाल हैं उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि उनको ममता बनर्जी ने फोन किया और कहा कि वो वापस उनकी टीएमसी की पार्टी में आ जाएं, क्या ममता बनर्जी अब हार का सामना करते हुए नजर आ रही है? क्या उन्हें अब हार का डर सता रहा है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात में ये पश्चिम बंगाल पे मतलब विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है, आज पहला चरण का चुनाव हो रहा है, लेकिन फिलहाल जो ऑडियो क्लिप को लेकर ये सबसे बवाल हो गया, इससे पहले सिर्फ हम लोग यही कह सकते हैं कि फिलहाल इस ऑडियो क्लिप का कोई पुष्टि अभी तक नहीं किया हमारा खुद चैनल के ओर से, क्योंकि ऑडियो क्लिप ने जो दिया है ये खुद मतलब उसी जिला का मतलब नंदीगांव क्षेत्रों का जो भाजपा की वरिष्ठ जो सभापति है प्रलय पाल ने, और उन्होंने कहा जो खुद ममता बनर्जी ने उसको फोन किया, उसके बाद उसको जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो कॉल रिकॉर्डिंग अभी भी वायरल हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आ रहा है कि फिलहाल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए जब ममता बनर्जी ने खुद उसी इलाका का मतलब नंदीगांव क्षेत्रों का जो भाजपा के ये सभापति मतलब अध्यक्ष प्रलय पाल को फोन क्यों किया, क्योंकि तृणमूल की ओर से जो कुणाल दीक्षित ने जो ऐसी जो कुछ कहा है ये अगर मतलब इस जो मतलब इसका कोई पुष्टि नहीं कि ममता बनर्जी का आवाज है कि नहीं है वो तो दूसरा बात है, लेकिन साथ साथ उन्होंने सीधा तौर से ही कहा अगर ममता दी ने प्रलय पाल को फोन किया तो वो सही किया, क्योंकि प्रलय पाल मतलब अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने खुद तृणमूल के साथ थे, तो उसके बाद अचानक वो तृणमूल से भाजपा में जब चली गई इसीलिए खुद ममता बनर्जी ने उसको फोन करके ऐसी कहा जे तुम खुद देखो। ममता बनर्जी ने ऐसी को जो बंगला में बोलते हैं लेकिन हिंदी में जो उसका जो ट्रांसलेट है उन्होंने खुद बोला, जो ऑडियो क्लिप में खुद ममता दीदी ने बोल रहे हैं कि प्रलय पाल आप खुद देखिएगा, इस बार आप देखिएगा, मेरे को देखिएगा, मैं नंदीगाम से मतलब उम्मीदवार हूँ, आप खुद देखिएगा मेरे को अगर कुछ हो सकता है कि क्या हो सकता है, लेकिन प्रलय पाल ने सीधा तौर से मतलब उसका जो कहना उसका जो बॉडी लैंग्वेज है प्रलय पाल को उन्होंने सीधा तौर से यही कहा है कि ममता दीदी मतलब एक रेसिडेंटल सर्टिफिकेट लेने के लिए आप नहीं दिया, एक रेसिडेंटल सर्टिफिकेट आपने नहीं दिया, हम लोग जब आपने मुख्यमंत्री बनाया था 2014 साल में उसी समय से हम लोग आपके साथ थे और था, लेकिन
उसके बाद भी हम जब भी आपका तृणमूल के कहीं नेता लोगों के पास गया था, मेरे को सिर्फ एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप लोग नहीं दिया, ये गलत है कि नहीं? तभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हाँ भाई लड़ाई ये गलत है, लेकिन किसने किया? लेकिन बातों पे बात को जो हमने जो ऑडियो क्लिप जो सुना है, ये सबसे बड़ी मतलब वायरल हो गया। जो अभी जो मतलब जो फिलहाल परिस्थिति है, जो तृणमूल की मतलब 99 क्षेत्रों से जो मतलब आवाज उठा रहा है, ये ममता बनर्जी का एक्चुअली आवाज है कि नहीं है वो तो अलग बात है। तो सबसे बड़ी बात जो सामने आ गया कि फिलहाल भाजपा की ओर से मतलब इसको लेकर भी भारी से भारी बवाल भी शुरू है, और भाजपा की ओर से मतलब सीधा तौर से ही कहा ममता बनर्जी नंदीगाम क्षेत्र पर हार गया। क्योंकि अगर नंदीगाम क्षेत्र पर एक कोई भाजपा का नेता को मतलब अगर मुख्यमंत्री सिर्फ यही बोल रहे हैं जो ऑडियो क्लिप में बंगला में सुनाई दे रहा है, ये सबसे बड़ी मतलब दुर्भाग्य की बात है खुद ममता बनर्जी के लिए। जी मैडम जी बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरीके से जो ऑडियो वायरल हुआ इसको हालांकि न्यूज इंडिया की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से टीएमसी के पूर्व सांसद उन्होंने कहा है कि अगर ममता बनर्जी ने वाली बात कही है, फोन किया है, तो उनके ही कार्यकर्ता रहे हैं इसलिए उनको फोन किया, यानी कि वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की तरफ से बढ़प्पन का ये उन्होंने एक हाथ बढ़ाया है कि उनके कार्यकर्ता वापस आ जाए, वो चाहती कि हमारी जो पार्टी है वो और आगे बढ़े। एकदम बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली ममता बनर्जी को ये भी मालूम नहीं थे जो प्रलय पाल मतलब वो जो मतलब तृणमूल का जो बलिष्ठ जो लीडर से वो तृणमूल छोड़ के मतलब जो भाजपा के साथ शामिल हो गया, ये ममता बनर्जी का ठीक ठाक से जानकारी नहीं थी। इसी कारण से सबसे बड़ी मुश्किल यही हुआ कि जब ममता बनर्जी ने मतलब ममता बनर्जी के पास मतलब खबर पहुंचा ये प्रलयपाल अभी तृणमूल में नहीं है, वो भाजपा में मतलब शामिल हो गया, तभी ममता बनर्जी ने सबसे बड़ी बात यही है कि ममता बनर्जी ने हैरान हो गया ये क्यों गया। लेकिन प्रलयपाल का जो यही कहना है, ये दीदी आप जब 2014 साल में जब मुख्यमंत्री बने थे, खुद हम लोग घर में बैठकर पूजा पाठ भी किया है, होम योग भी किया है, आप लोगों के लिए जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री बन रहे, मतलब इसका जो ऑडियो क्लिप है, ये ऑडियो क्लिप से सीधा तौर से प्रलयपाल ने सिर्फ यही बोल रहे हैं कि हम लोग होम किया है, घर में पूजा पाठ किया है, हमारा पूरा परिवार को लोग इसलिए किया है जो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन रहे। लेकिन आज इतना दिनों के बाद आप मेरे को फोन कर रहे हैं ममता दीदी, ये आप इतना दिन नहीं सोचे थे ये प्रलयपाल कहाँ है? लेकिन हम तो सिर्फ यही कहना है ये हम लोग एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लेने अगर कोई मतलब तृणमूल के कोई नेता लोगों के पास जाते हैं, तो कोई नेता लोग मेरे को कोई सर्टिफिकेट भी नहीं देता है, एक किस तरीके का सरकार आपने चलाया? एकी मतलब सीधा तौर से उन्होंने मतलब ममता दीदी को बोला है, आज का जो ऑडियो जो क्लिप मतलब वायरल हुआ है ये सीधा तौर से प्रलयपाल ने ऐसी कहा है जी। बिल्कुल, और उन्होंने ये भी कहा है कि ममता बनर्जी से कि नंदीग्राम में जब वो टीएमसी कार्यकर्ता थे तो उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन अब वो बीजेपी में आ गए तो वो चाहते हैं कि बीजेपी की जो कार्यकर्ता के तौर पर वो बीजेपी शामिल हो गए हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि नंदीग्राम सीट पे शुभेंदु अधिकारी जीते, इसको सुनिश्चित करेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? जी जी, ममता बनर्जी ने प्रलयपाल के साथ जब ऑडियो क्लिप में जो हम लोग तो ममता बनर्जी कहा है और आप तो मतलब सही बात है, लेकिन आप अगर देखिएगा और वो परिवार निगम क्षेत्र में है तो मतलब हमको मतलब ममता बनर्जी पर नंदीगम पर और कोई डैमेज करने के लिए मतलब आज करीब कई सालों से उसने नहीं दी। ये ममता बनर्जी ने बड़ी से बड़ी आरोप लगाया शुभेंदु के ऊपर, लेकिन उसके बाद उन्होंने सीधा तौर से कहा अगर प्रलय जी मैं आपको अनुरोध करता हूँ अगर कुछ भी हो अगर उत्तर से प्रलय जी सीधा है जी बना जी आई एम सो सॉरी देर हो चुका है लेकिन मैं कोई तर्क के साथ नहीं कर सकता है जी मैडम।
बिल्कुल। और सर देखो जिस तरीके से खुद पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज में चुनाव हो रहा है जहां पर हिंसा देखने को मिल रही है, एक ऑडियो वायरल हो चुका है जहां पर ममता बनर्जी कह रही है कि उनके कार्यकर्ताओं को अब वापस बुलाया जाए, और साथ ही साथ जिस तरीके से देखा गया कि शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर भी हमला कर दिया गया, क्या ममता बनर्जी घबरा गई है? देखिए सबसे बड़ी बात तो यही है कि शुभेंदु अधिकारी का भाई शुभेंदु अधिकारी का मतलब तीन गाड़ी के ऊपर हमला हुआ। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से ऑडियो वायरल हुआ है इसमें उन्होंने प्रलय पाल ने कहा है कि ममता बनर्जी ने उनको सुबह फोन किया और कहा कि वो टीएमसी पार्टी को फिर से ज्वाइन कर लें, वापस आ जाएं, और इसका ये ऑडियो वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। नंदीग्राम के बीजेपी उपाध्यक्ष का उन्होंने दावा किया है कि ममता बनर्जी ने उनको सुबह फोन किया और टीएमसी ज्वाइन करने की बात कही। ममता ने फोन करके नंदीग्राम से मदद मांगी है। करने के लिए और अपनी बात को साझा करने के लिए।